नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन हॉल में प्रदेश स्तरीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम डॉ मोहन यादव ने पतंग उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि अब राम जी का समय चल रहा है, 500 साल से जिसका इंतजार था वो पूरा हुआ। भगवान राम का अस्तित्व 17 लाख साल पुराना है। सीएम मोहन ने कहा कि जब जिसको जरूरत पड़ती है प्रधानमंत्री मोदी उसके साथ खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ जब मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमा लगती है तो युवा प्रतिमा लगती है, बुजुर्ग देवता की प्रतिमा नहीं लगती है। खेलों का महत्व हमारे यहाँ प्राचीन समय से है। हमारी संस्कृति में पहले विवाह भी होते थे तो स्वयंवर में होते थे। अर्जुन ने भगवान राम ने स्वयंवर जीत का विवाह रचवाया था। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग की तरफ से जो भी प्रस्ताव आएगा उसको तत्काल मंजूर मिलेगी। खेल प्रशिक्षकों का मान सम्मान शिक्षकों की तरह होगा। कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमारी संस्कृति और विचार दुनिया को राह दिखाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में परचम लहराया है। स्वामी विवेकानंद ने हमें राह दिखाई है। भारत को लेकर जो भ्रम था उसे दूर किया। हमारे देश को जादू टोने का देश कहा जाता था। स्वामी जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी में सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। स्वामी जी का नाम नरेंद्र था। जो सपना नरेंद्र ने देखा था आज इस सपने को नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। जी नहीं हुआ, आमतौर पर साधु सन्यासी का चेहरा ध्यान में या नाम लेते तो हमको ध्यान में आएगा साधना वाले, थोड़े क्रसकाए, दुबले पतले, थोड़े झुर्रीदार चेहरा, अलग प्रकार से ध्यान में आता। लेकिन जैसे ही विवेकानंद का नाम लेते हैं तो अपने आप हमको एक अलौकिक चेहरा दिखाने देता है जो ऊर्जा से सराबोर, जोश उत्साह उमंग के साथ एक विलक्षण आभा लिए हम सबके बीच में उनका चित्र अपनी आंखों के सामने कूंदता है। और हम सब और भाग्यशाली, हम उस धरा पे उस संस्कृति के संवाहक हैं जिनके यहाँ पर युवा के खेल के आदिकाल से हमारी सनातन संस्कृति में कितने सारे उदाहरण हैं। आप कल्पना करिए, आप सब कभी मंदिर जाते हैं और ध्यान से देखना, हमारे यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा भी लगेगी तो युवा देवता की लगेगी, कोई बुजुर्ग देवता आपको दिखाई नहीं देंगे। ये युवा का महत्व हम सबको ऊर्जा दिलाने के लिए, कोई भी मंदिर में कभी भी प्रतिमा लगेगी भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जहां भी लगेगी वो हमको अपने आप सदैव ऊर्जा से सराबोर रहते। और आगे बढ़े, हमारे यहाँ जिन भी देवी देवता का केवल जन्मदिन मनता है, जन्मदिन के बाद शरीर तो सबको छोड़ना है, तो जयंती मनती है, उनका निर्वाण दिवस का कोई अपने यहाँ सिस्टम नहीं है। ये जो हमारी संस्कृति की उदात्त अलग अलग प्रकार की जो धाराएं हैं, इन धाराओं को समझे तो समझ में आएगा कि हाँ, हमारे अपने जीवन काल में। और आगे बढ़े, आप देखो कभी ये खेल का महत्व क्या है। दुनिया के लोग कहते खेल में हम आगे, हमने खेलने सिखाया। ये ओलंपिक की बात आती है, अच्छी बात है, हम पूरा विश्व जुड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ तो परंपरा कैसी थी। अरे विवाह भी करना तो स्वयंवर के माध्यम से विवाह होता था, बिना स्वयंवर के विवाह भी नहीं हो सकता था। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। तीरंदाजी में कल्पना करो, किस कठिन परिस्थिति के आधार पर अर्जुन ने अपना विवाह किया द्रौपदी के साथ। कहां मछली की आंख और कहां तेल के अंदर देखना नीचे, कोई अंदाज लगा सकता है। स्वयंवर में भगवान श्री राम ने जो धनुष परशुराम जी का, दोनों खतरनाक मामले थे। अब तो राम जी का ही समय चल रहा है, बोलो जय श्री राम। 22 जनवरी एक ऐसा समय आया है, इस समय का 500 साल से इंतजार था, हजारों हजार साल से, वैसे तो लाखों साल से, लगभग 17 लाख साल पहले का, क्योंकि आयु भी हमारे यहाँ नासा ने डिसाइड कर दिए राम सेतु के आधार पर। जो रामेश्वरम का सेतु था जिसको तोड़ने के पीछे प्रयास हुए थे, उसके आधार पर माना गया कि वो लगभग 17 लाख साल पुराना है। और 17 लाख साल पुराना मतलब भगवान राम का काल 17 लाख साल पुराना होगा। और ऐसा एक व्यक्तित्व भगवान राम का, वो चरित्र, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श शासक, जितने भी प्रकार के भगवान के आप रूप देखोगे वो सब अलग अलग प्रकार से। और प्रेम कैसा करते हैं,
आदिवासी, वनवासी, यहाँ तक कि भगवान हनुमान जी क्या है, भगवान हनुमान जी सहित सारे प्राणी मात्र से प्रेम करने वाला अगर कोई शासक हुआ है तो उसका नाम है भगवान श्री राम, जिनको जीते जी अलग रूप में माना गया। और ऐसे हमारे अपने गौरवशाली भारत के इतिहास के इस पल को हम सब आज स्वामी विवेकानंद जयंती के आधार पर चूंकि बात निकली है, माननीय खेल मंत्री जी ने कहा है कि हमारा वो समय जिस समय पर वाकई में बहुत कठिन समय था, स्वामी विवेकानंद जब तक जाकर के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी बात नहीं रख रहे तब तक हमको दक्यानुषी हे दृष्टि से नाना प्रकार से हिंदू को हिंदू कहने में भी अपमान महसूस होता था। ऐसे समय में जाकर के एक सन्यासी अपने भगवा वेशभूषा में और अपना भारत जो अपने आप बताइए, हम भाइयों और बहनों तो सहज बोलते हैं, दुनिया को नहीं मालूम उसका हम क्या कर सकते, हमारे तो रिश्ते नाते के भी इतने प्रकार हैं, अंग्रेजी बहुत सीमित भाषा में बोलती है, अंकल आंटी से काम चला लेती है, हमारे रिश्तेदार मामा चाचा ताऊ बुआ भतीजे अगर रिश्तेदारी गिनो तो कितने लंबे होते हैं, अब उनको नहीं मालूम तो हम क्या करें, जैसे दुनिया ने देखा नहीं तो हिंदू धर्म को आप जानते नहीं हो उसका हम क्या करें, हम तो हिमालय की ऊंचाइयों से आगे इस धर्म की पताका फहराने वाले, इस गौरवशाली संस्कृति में जीने वाले लोग, उस संस्कृति में अभी आपको आके देखने की आवश्यकता है और वो कदम कदम पे दिखाई देती है, स्वामी विवेकानंद के रूप में दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिखाई देती है, जिनने कोविड के कठिन काल के अंदर ना केवल अपने यहां दवाई अपने भाई बहनों के लिए दिए बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी दवाई दे करके जो सर्वे भवंतु सुखिना का जो संदेश दिया है वाकई वो अद्भुत है। और इस अवसर पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे बीच स्वयं वर्चुअल रूप से उपस्थित होंगे, जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रत्येक काम को जिस काम को लगाते हाथ वो अपने आप लगता है कि कहां से कहां पहुंच जाता है, हमको मालूम है अभी लक्षद्वीप में गए थे समुद्र के अंदर टूरिज्म का एक नया स्थान, तो मालूम पड़ा मालदीव जैसे देश के 8,500 फ्लाइट कैंसिल हो गई, उनके सारी बुकिंग कैंसिल होकर के अपने देश में टूरिज्म का नया रास्ता खुल पड़ा बिना बोले बिना कोई शिकायत किए। इन सारी बातों का लेकर के वर्तमान का दौर हमारे लिए अगर आइकॉन के रूप में देखे, आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखे तो माने नरेंद्र मोदी जी का वाकई में, और नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से कैसे लोग चाहिए, ऐसे ही तो लोग चाहिए, जब गगनयान पे कोई कष्ट होता है वैज्ञानिक निराश होते हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर के पीठ थपथपाते और हिम्मत दिलाते कोई बात नहीं आगे प्रयास करो, तभी तो सूर्य के बजाय चंद्रमा के बाद हम आगे सूर्य तक भी पहुंच रहे हैं, आदित्य तक हमारा यान पहुंचा है, हमारे जीवन के सब क्षेत्रों से रक्षा से सुरक्षा से जिस जिस जीवन के सारे क्षेत्रों में सरकार का दखल हो सकता है वहां आदर्श स्थिति उत्पन्न करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री हर जगह दिखाई देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान के दौर में खेलों को लेकर के जिस प्रकार से ओलंपिक और एशियाड में आप सबके माध्यम से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और देश भी आगे बढ़ रहा है, ये लगातार आगे बढ़ता जाए, ये खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार से प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आदरणीय रमेश मेंदोला जी, सेक्रेटरी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय एसीएस स्मिता भारद्वाज जी, आदरणीय रवि गुप्ता जी, आदरणीय यादव जी, यहाँ पर उपस्थित सभी कोचेस, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने मध्य प्रदेश का और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, और उपस्थित सभी युवा साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सबको युवा दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम उस देश में जन्मे जिस देश में अनेक महापुरुषों ने संतों ने पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम किया है, हमारा दर्शन हमारी संस्कृति हमारा विचार ये पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला है।
ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज जिस महापुरुष, जिस महान संत के जन्म दिवस पर पूरी दुनिया में युवा दिवस मनाया जा रहा है, वो विवेकानंद, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के दर्शन को दिखाने वाले वो अग्रसर थे जिन्होंने उस समय पर जो हिंदुस्तान को लेकर गलत फहमियां थी उसको पूरी तरह दूर किया था। विवेकानंद बहुत दिनों तक इस पृथ्वी लोक पर नहीं रहे, बहुत छोटी उम्र में वो चले गए, परंतु उन्होंने अपनी विद्वत्ता, अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व, अपने विचार के माध्यम से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराया। आज ही के दिन 1863 में उनका जन्म हुआ और वो केवल 39 वर्ष की आयु में हमसे विदा हो गए, परंतु उन 39 वर्ष में उन्होंने संपूर्ण समाज को जो दिशा दी वो आज तक हमारे लिए उत्प्रेरक का काम करती है। सीता जी ने अभी उनसे जुड़े हुए विचार यहां पर रखने की बात की। सही मायने में यदि हम विवेकानंद पर बात करेंगे तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा। उनका दर्शन, उनका विचार निश्चित रूप से हर विषय में हमें प्रेरणा देता है। जब शिकागो में वो धर्म सभा में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने गए, उन्हें बहुत ही उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हुए वो शिकागो गए। उस समय हिंदुस्तान को दुनिया बहुत सीरियसली नहीं लेती थी। वो कालांतर ऐसा था कि हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं गुलाम कहा जाता था, जादू टोने वाला देश कहा जाता था, सांप सपेरों का देश कहा जाता था। और जब विवेकानंद उस मंच पर गए तो उन्हें केवल एक मिनट दिया गया बोलने को और विषय भी दिया गया जीरो, शून्य। आयोजकों को लगता था कि इस विषय पर विवेकानंद क्या बोलेंगे, हिंदुस्तान का एक पिछड़े हुए देश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो केसरिया चोला पहना है, पहनने का भी सही उनके पास दृष्टिकोण नहीं है। पर कहा जाता है जब वो विवेकानंद मंच पर गए और उन्होंने पहला सेंटेंस कहा, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जिस व्यक्ति को केवल एक मिनट बोलने को दिया गया था, 5 मिनट तक ऑडियंस ने केवल ताली बजती रही, क्योंकि उससे पहले ये विचार नहीं था कि हमारे परिवार में हमारे सगे भाई बहनों के अलावा भी समाज में दूसरे व्यक्तियों को हम भाई और बहन की श्रेणी दे सकते हैं। ये तो हिंदुस्तान का ही दर्शन है। हम कहते हैं ना, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का किसका कल्याण, विश्वास का कल्याण नहीं हो, विश्व का कल्याण। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ये मेरा परिवार है, इस विचार को लेकर हम अपने जीवन को जीते, यही हमारा दर्शन है। और यही दर्शन को शिकागो की धर्म सभा में विवेकानंद ने प्रतिपादित किया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है और इस परिवार को यदि कोई नेतृत्व कर सकता है तो वो केवल हिंदू दर्शन, केवल भारतीय दर्शन कर सकता है। उन्होंने युवाओं के लिए कहा कि युवा को तन से, मन से, मस्तिष्क से सुदृढ़ होना पड़ेगा। उन्होंने सपना देखा कि हिंदुस्तान 21वीं सदी में इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी। सोचिए, उस समय तो हम गुलाम थे और वो भविष्यवक्ता, उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में यह हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। विवेकानंद का नाम विवेकानंद को बाद में पड़ा, उनका असली नाम था नरेंद्र। एक नरेंद्र ने सपना देखा था कि 21वीं सदी में यह हिंदुस्तान विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा और दूसरा नरेंद्र मोदी उस सपने को साकार कर रहा है। एक नरेंद्र ने यदि दिशा दिखाई थी तो इस दिशा पर चलते हुए दूसरा नरेंद्र पूरी विश्व में हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के बाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद हम नासिक में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उससे जुड़ेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि इस देश को बड़ा देश बनाना है तो युवाओं को सही दिशा देनी होगी, युवाओं के कल्याण के लिए हमें बात करनी होगी, युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें काम करना होगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि खेल का मामला हो या युवाओं के बाकी किसी विषय में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अलग दृष्टिकोण रखते हुए देश की सरकार के माध्यम से युवाओं का कल्याण किया है। इस देश का युवा सकारात्मक सोच के साथ इस देश के नवनिर्माण में लगे, इस देश का युवा अपने भविष्य के निर्धारण के साथ साथ इस समाज, इस राष्ट्र का पूरा निर्माण करे, ये देश समृद्धशाली वैभवशाली हिंदुस्तान बने, उसके लिए जरूरी है कि इस देश के युवा को जगना होगा। आज हम सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and press the bell icon.